साल था 1993। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। देश में मंडल कमंडल की राजनीति अपने चरम पर थी और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े विकल्प के रूप में सामने आ रही थी। 6 दिसंबर 1992 में हुए बाबरी विध्वंस के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। करीब साल भर यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा रहा और 1993 के आखिर में जब चुनाव का ऐलान हुआ तो सबको यह भरोसा था कि एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। प्रचंड रामलहर पर सवार भाजपा ने इस चुनाव में सबसे अधिक 177 सीटों पर जीत भी दर्ज की, पर इस चुनाव में जाति या धर्म की राजनीति सत्ता दिलाने की गारंटी में नाकामयाब रही। और 1993 के इसी चुनाव में एक जाति से दूसरी जाति के लोगों को जोड़ने का एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग हुआ जिसे भारतीय राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग शब्द के रूप में जगह मिल गई। दरअसल 1993 के चुनाव में एक साझे हित को साधने के लिए दो जातियों और दो पार्टियों का महागठजोड़ हुआ। साल 1992 में बनी मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ने भाजपा का रास्ता रोकने के लिए रणनीतिक साझेदारी के तहत बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाया और 93 के चुनाव में 109 सीटें जीतने वाली सपा और 67 सीटें जीतने वाली बसपा ने उस दौर में यूपी की सबसे ताकतवर पार्टी रही भाजपा को हरा दिया। 1993 में जब यूपी की राजनीति में ये सब कुछ चल रहा था तो केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी का यूपी की राजनीति में हुए इस गठबंधन को पूरी तरह से समर्थन था, क्योंकि सभी पार्टियां किसी भी कीमत पर बीजेपी के विजय रथ को उस दौर में रोकना चाहती थीं। उधर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी 1993 के यूपी चुनाव में हुई इस उथल पुथल पर बड़ी ही बारीकी से नजर बनाए हुए थे और दिल्ली में उन दिनों सपा बसपा के इस गठबंधन की खूब चर्चाएं हुआ करती थी। बाद में इस गठबंधन के बारे में मायावती ने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्षमय जीवन और बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा में लिखा कि इस गठबंधन का एक खास मकसद था। पहला मकसद बहुजन समाज को बहुजन समाज में पैदा हुए व्यक्ति के नेतृत्व में संगठित करना और फिर सत्ता पर काबिज होना, और दूसरा मकसद सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बेदखल करना, क्योंकि अयोध्या की घटना के बाद बीजेपी का सितारा बुलंदी पर था। खैर, मायावती का यह मकसद सपा के साथ कामयाब नहीं हो सका। कई मुद्दों पर तकरार के चलते सरकार में खींचतान बनी रही और आखिरकार जब 2 जून 1995 को लखनऊ गैस कांड हुआ तो उसके ठीक अगले दिन मायावती ने भाजपा का दामन थामकर खुद को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना लिया और अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ नारा दिया, चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। साल 1993 के चुनाव से शुरू हुई भारतीय राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अलग अलग तरीकों से यूपी चुनाव में देखा गया है। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव का यूनारा भी हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, यह भी सोशल इंजीनियरिंग की याद दिलाता है जिसके दम पर यूपी में बसपा की सरकार बनी थी। तो हम अब आपसे जानना चाहते हैं, कल यूपी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा, हर बार की तरह इस बार भी यूपी चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है। अलग अलग पार्टियों ने क्षेत्रीय दलों और अलग अलग जातियों के बड़े नेताओं को जोड़कर अपने साथ चुनाव लड़ा है, पर क्या लोकतंत्र में दो विचारधाराएं आपसी हित के लिए साथ आकर समाज का भला कर सकती हैं या नहीं, इसके बारे में अपनी राय हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।